सरात मोहतरम, लेबनान में क्या जंग ख़त्म होने वाली है? क्या इसराइल लेबनान पर हमले बंद करने वाला है? यह अपने में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा कहा है इसराइल की फ़ौज ने। IDF ने कंफर्म किया है कि हमारे गोल अचीव हो गए हैं। लेबनान में हमारा जो गोल था, लक्ष्य था, वो पूरा हो गया है। जो हमें करना था हमने कर दिया है। हमने हिजबुल्ला की तमाम मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करके 80% उसकी मिसाइलों को ख़त्म कर दिया है। अब उसके पास सिर्फ मिसाइल की 20% क्षमता है। और अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो डील के लिए, सीज फायर के लिए ऑप्शन पर बात कर सकती है, टेबल पर बात कर सकती है। वहीं दूसरी रिपोर्ट ये भी कंफर्म की जा रही है कि नेतन्याहू लेबनान से डील करने के लिए अब तैयार हो गया है, और नेतन्याहू ने अपनी शर्तों के मुताबिक जो है ऑफर बनाकर लेबनान को सौंप दी है। अपनी शर्तों पर वो जंग ख़त्म करने के लिए, लेबनान में ऑपरेशन ख़त्म करने के लिए राज़ी हो गए हैं। सवाल ये है कि इतनी आसानी से लेबनान में वो जंग ख़त्म क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, वजह साफ है। हिजबुल्ला भले ही मिट गया हो, हिजबुल्ला भले ही कमज़ोर पड़ गया हो, जो भी ब्ला 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 वो बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसराइल को लेबनान के अंदर मोटा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको वो तस्वीर मजबूरन नहीं दिखा सकता, क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ वो चीज़ चली जाएगी और फिर हमारे चैनल को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके अंदर साफ वीडियोस में नज़र आ रहा है कि इसराइल के सैनिकों के ऊपर बहुत बुरी तरह से हमले किए गए हैं। और कई बार तो मैं आपको इसराइल के टैंक, इसराइल के सैनिकों को दिखा चुका हूँ किस तरह से घायल हुए हैं और टैंक बर्बाद हुए हैं। हजरात मोहतरम, यही वजह है जो रिपोर्ट सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से, कि इसराइल अपने नुकसान को देखते हुए अब डील के लिए राजी हो गया है। वहीं मेरे दोस्तों, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो हिजबुल्ला के नए लीडर हैं उनकी तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है कि ये टेम्परेरी हैं, अपॉइंट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने ऐलान किया है कि ये कुछ दिन के लिए हैं, हम इन्हें भी कत्ल कर देंगे। उधर हिजबुल्ला के ऑफिशियल ने ऐलान करके बताया है कि इसराइल के नरसंहार में जो हिजबुल्ला संगठन की जगहें पोस्ट खाली हुई थी लोगों के मारे जाने की वजह से, वो तमाम पोस्ट फिर से भर चुकी है। वहीं इसराइल के मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि लेबनान की जंग इसी साल में, यानी अगले 1-2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा, तो एक वीडियो तो सबूत के तौर पर ज़रूर दिखाऊंगा। ये मंजर रोज़ का है। इसराइल के एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर रोज़ एयरलिफ्ट करके लेबनान से इसराइली घायल सैनिकों को लेकर जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिए कि नुकसान इसराइल को इतना मोटा हो रहा है कि इसराइल के 3 लाख लोग मेंटल इशू का सामना कर रहे हैं। मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, मेंटल स्थिति उनकी बेकाबू हो चुकी है और उनको थेरेपी की ज़रूरत है। वहीं इसराइल के लैपिड, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झूठ बोल रही है, नेतन्याहू की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, जो हमारे सैनिकों को, हमारे देश को जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं वो ज़्यादा हुई हैं, यानी जो असली आंकड़े हैं 800 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक मारे गए हैं इनके मुताबिक, लेकिन अगर और रिपोर्ट की पड़ताल के बाद आपको बताऊं तो कम से कम 1000 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक लेबनान और गाज़ा के जंग में मारे गए हैं, और हज़ारों की तादाद में, यानी लगभग 12000 से ज़्यादा इसराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। ये खुद इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कंफर्म किया है। हजरात, ये जो अक्टूबर का महीना गया, ये अक्टूबर का महीना इसराइल के सैनिकों के लिए, इसराइल के लिए सबसे डेडली था। ये तस्वीर देखिए, ये तमाम इसराइल के सैनिक तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम इसराइल के सैनिक हैं जो पूरे साल में सबसे ज़्यादा अक्टूबर के महीने में इसराइल के सैनिकों को सबसे ज़्यादा बुरा नुकसान हुआ है। लेबनान और गाज़ा के अंदर सबसे ज़्यादा अक्टूबर के महीने में इसराइल के सैनिक मारे गए हैं। उधर हिजबुल्ला ने सबूत जारी किया है कि हमने हर्मीज 900, एक और इजरायली ड्रोन को मार गिराया है।
तमाम जगह पर यह खबर आना शुरू हो चुकी है कि इसराइल अपनी शर्तों पर जंग खत्म करने की डिमांड कर रहा है। यानी अब सामने से हिजबुल्ला ने मना कर दिया, हम डील नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल कह रहा है कि आप हमसे डील कर लो, शर्त तुम्हारी होगी। उधर इसराइल की IDF ने वीडियो जारी किया है कि लेबनान के अंदर फिलहाल अभी तक हमारे टैंक ऑपरेशन कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे सैनिक भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। वहीं इसराइल के ऊपर साइबर अटैक भी बहुत हो रहे हैं। इसराइल के ऊपर साइबर अटैक से 10% जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है वो इफेक्ट हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी फिलिस्तीन का साथ देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसका सॉल्यूशन अब यही है कि फिलिस्तीन को एक देश घोषित किया जाए, उनको एक स्टेट दिया जाए। सुनिए, поговорить о том, как восстанавливать эти территории, как вернуть людей, которые покинули эту территорию. Ну, палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Это первое. А второе, чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы. Кстати говоря, многие и в Израиле это понимают. И такую точку зрения, которую я сейчас вам излагаю, многие в Израиле тоже разделяют. У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это еще раз, что... Хазрат-и-Мухтарам, удар Египт не Америка и Израиль ко warning дэ ди, ке ап не жо Яйя Синвар ко мара хэ, हमास इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बातचीत उससे बहुत मुश्किल हो गई है और हमास के अंदर बहुत गुस्सा है। उधर इजराइल के एक सीनियर ऑफिसर ने CNN को इंटरव्यू देते हुए इस बात को कबूला है कि हमने गाजा और लेबनान में फिलिस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ह्यूमन शील्ड की तरह आम लोगों का इस्तेमाल गैरकानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह अपराध। उधर इराकी मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल के ऊपर आज फिर से ड्रोन लॉन्च किए हैं। इन्हीं ड्रोन हमलों को रोकने के लिए, जो आप कहते हैं ना, अरे भाई इसराइल तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है, इसराइल तक इनका ड्रोन पहुंचता ही नहीं है, इसराइल में कुछ होता ही नहीं है, बाबू इन ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को 2-2 मिसाइल फायर करके 60 लाख रुपये की मिसाइल फायर करनी पड़ती है एक सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए, तो ये भी नुकसान में ही काउंट होता है मुन्ना। मेरे दोस्तों, इजरायली रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट ये कह रही हैं कि इजरायल आने वाली जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं अगले 5 महीने के लिए रद्द हो चुकी हैं। यानी विदेशों से, आसपास के देशों से जो फ्लाइट इजरायल आती थी, उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं, अगले 5 महीने तक इजरायल वो आएंगे ही नहीं। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, बेशक जालिम कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जब अल्लाह की लाठी चलेगी तो कहाँ से चलेगी, कहाँ पड़ेगी, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इस खबर को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका ने सबसे खतरनाक अपना एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड इसराइल को सौंपा है। गली गली चप्पे चप्पे पर इसराइल के अब थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब उन थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम की रक्षा, सुरक्षा और उसको कंट्रोल करने के लिए खला यानी अंतरिक्ष के अंदर, जी हाँ अंतरिक्ष के अंदर अमेरिका की एक सैटेलाइट है खास, वो इस थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करती है और वहाँ से सिग्नल देती है और इस थार एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट रहती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने थार्ड सौंपा और थार्ड की वो जो सैटेलाइट है वो भी इजराइल को सौंपी थी, लेकिन ये रिपोर्ट आ रही है कि वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गई है। लिखिए सुभान अल्लाह कमेंट में। हाँ, वो थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्टेड जो सैटेलाइट है या तो वो काम नहीं कर रही है या वो अंतरिक्ष में खो गई है। ऐसी रिपोर्ट से अमेरिका और इजराइल हैरान परेशान है। उधर बर्तानिया के अंदर म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था। म्यूजिक कॉपीराइट के चक्कर में आपको ये सुना नहीं सकता, लेकिन दिखा रहा हूं। ये एक बर्तानिया का ब्रिटिश सिंगर है, इसने अपने प्रधानमंत्री का विरोध गाने में किया, स्टेज से किया और कहा कि हमारा प्रधानमंत्री गाजा और फिलिस्तीन में, लेबनान में होने वाले जेनोसाइड का सपोर्ट कर रहा है। याद रखिएगा, ज्यूस बुरे नहीं होते हैं, अच्छा बुरा इंसान होता है, कोई मजहब बुरा नहीं, उस मजहब के मानने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। कोई भी मजहब उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमान दुनिया में सारे ही अच्छे हैं। वाकई करबला में देख लीजिए, कोई गैर मुस्लिम नहीं था अहले बैत को कत्ल करने वाला। ऐसे ही आप अपने वालों को देख लीजिए, हमारे अपनों में ही एक से बड़ा एक आपको रीच मिलेगा, समझ रहे हैं।
तो ऐसे ही अमेरिका में जो ज्यूस थे और हैं भारी मात्रा में, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, न्यूयॉर्क में प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीनी समर्थक ज्यूस और इजरायली समर्थक यहूदी का सामना होता है। जो फिलिस्तीनी समर्थक ज्यूस है उसने साफ तौर से कहा सामने से जलील करते हुए उन यहूदियों को कि तुम ज्यूस के खिलाफ हो। ज्यूस ऐसे नहीं होते जो आप कर रहे हो, आप नरसंहार कर रहे हो, आप कत्लेआम कर रहे हो। और साथ में उनको ये भी कहा कि आप तौरा यानी जो उर्दू जबान में हमारी जबान में इस्लामिक जबान में तौरात जिसे कहते हैं, कहा कि तुम उस किताब के अगेंस्ट कर रहे हो। देखिए, यू मेक जेनोसाइड, यू मेक होलोकॉस्ट राइट नाउ, यू मेक जेनोसाइड, यू मर्डर थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टिनियंस, यू मर्डर थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमन, यू आर नॉट ज्यूइश, यू आर नॉट ज्यूइश, यू आर सो मिसिंग पावर, यू वांट टू किल द ज्यू फॉर द टोरा, यू हेट द टोरा, यू हेट सऊदी का एक बड़ा चैनल मैंने आपको बताया था एमबीसी न्यूज चैनल, जिसने हमास फिलिस्तीन फाइटरों को और तमाम जो फाइटर जिन्हें इजराइल ने कत्ल किया उनको आतंकवादी दिखाते हुए अपने चैनल पर दिखाया, लिखा कि ये आतंकवादी हैं, समझ रहे हैं आप, जिस पर बड़ा ड्रामा हुआ, विरोध हुआ और इराक के अंदर उस चैनल को बैन किया गया और अरब देशों में आम लोगों ने इसका विरोध किया। अब विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि सऊदी अरब में जो इसका हेडक्वार्टर है एमबीसी, उस न्यूज चैनल के जो डायरेक्टर हैं उनको ही चैनल के ग्रुप ने सस्पेंड कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर लेबनान, इराक और यमन से ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट्स आए, जिनमें से कई मिसाइलों और रॉकेटों को इसराइल ने रोका तो सही, लेकिन कई जगह इसराइल के सेटलर्स के इलाके में बड़े हमले हुए और डैमेज हुआ है। देखिए, तब गया उधर स्पेन ने कमाल कर दिया है। स्पेन अपनी पुलिस के लिए, अपने पुलिस जवानों के लिए हथियार, मशीन गन, माउजर, गोलियां, इस तरह के हथियार जो हैं वो इजराइल से खरीदता था, डील थी, बकायदा डील, स्पेन ने कैंसिल कर दिया, कह दिया कि हमें इजराइल से कोई हथियार लेना ही नहीं। तुर्की एक रेजोल्यूशन लाने वाला है अपने अरब साथियों के साथ, अरब देशों के साथ, यूएन के अंदर उस रेजोल्यूशन को पेश किया जाएगा। उस रेजोल्यूशन में मांग ये होगी इसराइल को कोई भी देश हथियार ना दे, लेकिन हमें उम्मीद है, यकीन है कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अमेरिका भी है और कई इसराइल के समर्थक देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे हर बड़ी और छोटी जानकारी मिडिल ईस्ट से। जय हिंद।